नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान भारत कहानी सफलताओं की। देश के गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए ये योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। योजना के अंतर्गत देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक लगभग 25 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जबकि योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और इसमें लगभग हर तरह की बीमारी और सर्जरी को कवर किया जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बीते 5 सालों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उसे मुकम्मल करने के लिए ये योजना बेहद सफल साबित हुई है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हमारा फोकस आपको हर वो जरूरी बातें बताना है जो आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम को और जानते हैं कैसे इस योजना ने बीते 5 सालों में करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत वो योजना लेकर आई और इस योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं और इस योजना के जरिए गरीबों का 5 लाख रुपए तक का जो सालाना मुफ्त इलाज की जो व्यवस्था की गई है वो काफी कारगर साबित हुई है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसके तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों और 50 करोड़ से अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। देश के 3 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ये योजना लागू है। देखिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है। बीते 5 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिनमें 48% महिलाएं हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ किडनी की बीमारी से ग्रस्त लोगों ने उठाया है। इस योजना से हीमोडायलिसिस, मोतियाबिंद का इलाज, स्त्री रोग संबंधी बीमारी का इलाज, दिल की बीमारी और कैंसर के इलाज के अलग अलग प्रोसीजर, हड्डी रोग से संबंधित इलाज के लिए लाभार्थियों ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का तेजी से कार्ड बने, इसके लिए सेवा पखवाड़ा के तहत आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हुई थी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस अभियान के तहत आयुष्मान आपके द्वार 3.0 शुरू किया गया है। बीते 3 दिनों में इस अभियान के तहत 8 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप किसी दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अब तक 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में आयुष्मान भारत योजना लागू है। जिन 3 राज्यों में ये योजना लागू नहीं है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पूर्वोत्तर राज्य असम में आयुष्मान भारत योजना का बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हैं। योजना के 5 साल पूरा होने के मौके पर एक वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना, जो अपने लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है, दुनिया भर में अपनी ही तरह की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के 5 साल पूरे होने के मौके पर पूर्वोत्तर राज्य असम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें एक वॉकथॉन भी शामिल है। कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे एक भव्य आयोजन बन गया। आयुष्मान भारत योजना से अब तक राज्य में 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। आयुष्मान दिवस के लिए एक वॉकथॉन
का आयोजन हमने किया है। ये हमारे 5 साल के जो आयुष्मान भारत की जो उपलब्धियां हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए असम स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। पिछले 5 सालों में ये बहुत सुंदर एक हमारी जर्नी रही है। इस यात्रा में हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया है। अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने इस योजना के तहत 40,000 से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाया है। अभी तक PMJAY कार्ड्स मोर देन 50 लाख पीपल इन असम उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो ये बेनिफिट हर एक को मिल रहा है और आशा करें कि और जिसको भी अभी तक नहीं मिला है उन लोग अगर हम लोग के पास आते हैं कार्ड लेके आधार कार्ड एंड द फूड सेफ्टी कार्ड तो हम लोग को उन लोग का भी बना के उन लोग का भी ट्रीटमेंट हम लोग फ्री कर सकते हैं। लाभार्थियों ने इस योजना को लेकर अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की। आयुष्मान कार्ड से हम लोग का बहुत हेल्प हुआ है क्योंकि हम लोग के पास कभी पैसा भी नहीं रहता फिर भी इतना अच्छा से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ का डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, नर्स भी अच्छा है क्योंकि मैं मेरा पेशेंट को सुपर स्पेशल में रखा हूँ। मतलब एक नर्सिंग में जितना फैसिलिटी आपको नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे GMC में आपको इतना फैसिलिटी मिल जाएगा। मैं बहन के ट्रीटमेंट के लिए आया था तो मैंने यहाँ आयुष्मान कार्ड के जरिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सभी तो अच्छा ही चल रहा है, बहुत हेल्प मिला है। आयुष्मान जो कार्ड है ना उसी से बहुत हमारे बहन को माइस्थेनिया ग्रेविस है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ आयुष्मान कार्ड से ही चल रहा है, डॉक्टर भी बहुत हेल्पफुल है यहाँ। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 80 से 100 परिवारों को दैनिक आधार पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। असम से भुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, DD News। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना ने न केवल करोड़ों लोगों के चेहरे की मुस्कान लौटाई है बल्कि बीमारी को लेकर लोगों की एक बड़ी चिंता भी दूर की है। इस योजना का लाभ उठा चुके लोग प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं। देखिए पुणे से ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम आयुष्मान भारत योजना है। इसके तहत देश की गरीब जनता का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। पुणे के विठल तुलसी अपने बेटे निखिल तुलसी के लिए हमेशा परेशान रहते थे। निखिल का शारीरिक विकास अवरुद्ध था और उसके लिए जो इलाज की आवश्यकता थी उसके लिए रुपए जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। विठल को शल्य चिकित्सा के साथ साथ महंगी दवाइयों की आवश्यकता थी, लेकिन न केवल निखिल का इलाज हुआ बल्कि आज उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से संभव हो सका है। मेरे बच्चे का पेट का ऑपरेशन हो गया, वो आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इसका वो योजना का लाभ मिला है और हर महीने को 3,000 की गोली लगती है इसको एंटीबायोटिक, तो वही गोली आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हमको फ्री में मिलती है। जो मोदी सरकार ने जो स्कीम लाई है आयुष्मान भारत योजना, तो वो योजना का मेरे को भरपूर लाभ मिला है, फायदा मिला है, तो मोदी सरकार को और आयुष्मान भारत योजना को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह महाराष्ट्र के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सूचीबद्ध जिला वाशिम में भी कई परिवार जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। ये योजना से काफ़ी लाभ हुआ है। यहाँ पे सभी मरीजों के लिए जो भी औषधि ने तो जो भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थे वो सभी मेडिसिन अभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र पे उपलब्ध है और सभी की खून की जांच एवं एक्सरे जो भी और सोनोग्राफी ये फ्री में हो रही है, तो इसीलिए सभी मरीजों का जल्दी से निदान और इलाज हो रहा है। सरकार के द्वारा देश के सभी गरीब वर्ग के लोगों का इलाज करवाने के लिए एक कार्ड प्रदान किया जाता है जिसे आयुष्मान कार्ड का नाम दिया गया है। इस कार्ड की वजह से देश के लाखों लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। पिछले 5 साल के पहले ये नहीं होता था, मगर आज के जमाने में ये ग्रामीण रुग्णालयों में उपलब्ध हुए है। इसके लिए हम हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के धन्यवाद मानते हैं। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली सरकारी योजना है। सरकार दवा चिकित्सा आदि का खर्च उठाती है। आयुष्मान कार्ड पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से आज तमाम लोगों को जीवन दान मिला है।
मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। इसका एक बड़ा उदाहरण वाराणसी के ट्रामा सेंटर में दिख रहा है। रोहतास के बिहार की रहने वाली एक बच्ची को इस योजना की वजह से जीवन दान मिला है। ये है 7 साल की बच्ची प्रिया। ये बचपन से स्पाइन की समस्या से जूझ रही थी। मुश्किल तब और बढ़ गई जब स्कूल में खेलते समय प्रिया गमले पर गिर गई और उसके गर्दन की हड्डी टूट गई। इलाज तो हुआ पर वह ठीक नहीं हो पाई और धीरे धीरे उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। रोहतक के डॉक्टरों के कहने पर प्रिया के माता पिता उसे वाराणसी के BHU अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले आए। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में प्रिया का ऑपरेशन किया गया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। प्रिया के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि अपनी बच्ची का इलाज करवा सकें। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले 5 लाख रुपयों की मदद से प्रिया को एक नया जीवन मिला है। स्कूल में जिसको चोट लग गया पीछे माइंड में ऑपरेशन कराने के चल ले आए ड्रामा सेंटर। इसका आयुष्मान था तो इलाज करा पाए, नहीं तो नहीं रहता तो मैं नहीं करा पाते इसको इलाज। ड्रामा सेंटर से बड़ी हमको सहयोग मिला, डॉक्टर को बड़ी सहयोग मिला, लड़की को नथु इलाज ठीक करने के लिए। और पहले से लड़की ठीक है, अच्छी है। ट्रॉमा सेंटर के हर डॉक्टर और स्टाफ ने प्रिया का बेहद ख्याल रखा जिसकी वजह से अब काफी हद तक ठीक हो गई है। ये बहुत ही बुरी स्थिति में आई थी, सर पे चोट और रीढ़ की हड्डी में चोट। जब आई थी तो 2022 में हमारे पास आई थी, तब से जो है हमने ICU में इसको रखा हुआ है। शुरू में वेंटिलेटर पे थी, धीरे धीरे इसको वीन ऑफ किया वेंटिलेटर से और अभी पिछले 6 महीने से ये बिना वेंटिलेटर के हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। और इसके बारे में एक खास बात यह है कि प्रिया का जो इलाज अभी तक चला है वो आयुष्मान से चला है। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस योजना का पैसा खत्म होने के बावजूद भी BHU और ट्रॉमा सेंटर ने प्रिया का इलाज जारी रखा। अनुमान है कि अब तक लगभग 60 लाख रुपए खर्च हो चुका होता जो इस परिवार के लिए असंभव है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना इस बच्ची के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज ये बच्ची सकुशल है, इसका श्रेय मैं इस ट्रॉमा सेंटर की टीम को, BHU एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं जिनसे इन मरीजों को लाभ हो रहा है, आयुष्मान है और भी जो जनरस फंड्स आ रहे हैं ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पेशेंट्स के कम हो जाएं। तो ये सब देखते हुए ये बच्ची ही नहीं, हमारे अस्पताल में ICU के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अराउंड 95% कम हो चुके हैं। खास तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस योजना को बनाया गया है। अगर ये योजना नहीं होती तो मामूली कमाई करने वाले प्रिया के पिता के लिए इतना महंगा इलाज करवाना संभव नहीं था। प्रिया का देखने के बाद आयुष्मान की जो उपयोगिता है वह पता चल रही है कि किस तरह से आयुष्मान लोगों का जीवन बचा रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी। तो देखा आपने कि आयुष्मान भारत से किस तरह से लोगों का जो जीवन है वो निरंतर बदलता हुआ नजर आ रहा है और यही प्रयास सरकार का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।